अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मज़ेदार शादियों में और दीगर तकरीबात वगैरह में खास मौक़ों पर बनाए जाने वाला चिकन स्टीम रोस्ट तैयार कर रहे हैं। रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले चिकन को कट लगा लेंगे, डीप कट लगाएंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से चिकन में जज्ब हो जाए। चिकन को दोनों साइडों से कट लगाएंगे। चिकन के पीसेस को कट लगा के रखते जाएंगे और फिर इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। एक बाउल लेंगे, उसमें पानी शामिल करके 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे और फिर इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। फिर इसमें 1/4 कप सिरका शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके चिकन के पीसेस को इसमें डिप करके 30 मिनट तक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे तक इसको फ्रिज में चिकन को रख देंगे। इससे चिकन सॉफ्ट और जूसी बनता है, तो इसलिए ये स्टेप ज़रूरी है। तो 2 घंटे के बाद चिकन को इस पानी में से निकाल कर छलनी पर रख देंगे ताकि चिकन थोड़ा सा खुश्क हो जाए, फिर मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए एक बाउल लेंगे और उसमें 3 टेबल स्पून दही शामिल कर देंगे। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून। कश्मीरी लाल मिर्च इसमें 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर इसमें 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। हल्दी इसमें 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे। चाट मसाला इसमें 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। जीरा पाउडर इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून। नमक इसमें 1 टीस्पून शामिल करेंगे। सिरका इसमें 2 टीस्पून शामिल करेंगे। सोया सॉस इसमें 2 टीस्पून शामिल कर देंगे। क्वार्टर टी स्पून इसमें जर्दा कलर शामिल करके तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद चिकन के पीसेस को एक एक करके उठाते जाएंगे और इस मसाले में रखते जाएंगे। चिकन को जो हमने कर्ट्स लगाए थे उसके अंदर भी मसाला अच्छी तरह से लगाएंगे ताकि चिकन अंदर से फीका ना हो। तो अगर आपके पास टाइम है तो इसको ओवरनाइट फ्रिज में कवर करके चिकन को रखते हैं, अगर नहीं है तो फौरन से भी चिकन को बनाया जा सकता है। चौड़े पैंदे वाला एक बर्तन लेंगे, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे और फिर उसमें ये मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। 35 से 40 मिनट तक चिकन को दोनों तरफ से कुक कर लेंगे। चिकन को लो फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि इसका जो मसाला है वो जलने ना पाए। इस तरह से ये चिकन बहुत ही हेल्दी तरीके से हम बना रहे हैं क्योंकि हमने इसमें बहुत ही कम ऑयल का इस्तेमाल किया है। सारा मसाला चिकन के ऊपर डाल देंगे और चिकन को कुक करेंगे तो इससे चिकन बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगा। कवर लगा देंगे और चिकन को 35 से 40 मिनट तक पकने देंगे। एक साइड से चिकन तैयार हो गया है तो अब इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इसको 35 से 40 मिनट तक कवर करके पकने देंगे। चिकन तैयार है, लेकिन अब हम इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट तक बगैर कवर किए कुक करेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से चिकन के ऊपर लग जाए।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। आप भी इसी तरह से इस मज़ेदार और जूसी चिकन स्टीम रोस्ट को घर पे बना के एंजॉय कर सकते हैं। खुश रहें, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।